नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत की ऑफिशियल जांच शुरू हो गई है और इस बीच दुनिया भर में एक थ्योरी चल रही है कि रईसी की मौत में इजराइल का हाथ है। हालांकि इजराइल के एक बड़े अधिकारी ने इससे साफ इनकार किया है। बावजूद इसके ईरान और इजराइल के बीच तनाव को देखते हुए कई एक्सपर्ट अब भी ये मान रहे हैं कि हो सकता है कि रईसी की मौत की वजह इजराइल हो। इसी पर देखिए स्पेशल रिपोर्ट। तारीख 19 मई, समय शाम 7 बजे, जगह वज़ेकान, ईरान। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश। ये वही जगह है जो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का गढ़ मानी जाती है। लिहाजा सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोसाद ने ईरान के राष्ट्रपति रईसी को मरवा डाला। इजराइल ईरान के बीच के तनाव को देखते हुए यह शंका बहुत सहज है और इसकी डिटेल में पड़ताल बहुत जरूरी है। लेकिन पहले ईरान की सड़कों पर रईसी को अलविदा कहने उतरी भीड़ को देखिए। उदास चेहरे और आंखों में आंसू देखिए। हजारों लोग रईसी को श्रद्धांजलि देने उनका पार्थिव शरीर ले जाते ट्रक के पीछे पीछे जाते देखे। रईसी ईरान के सिर्फ राष्ट्रपति ही नहीं थे, बल्कि हाल के समय में ईरान को एक मजबूत देश के तौर पर दुनिया के नक्शे पर स्थापित करने वाले नेता भी थे। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या इजराइल ने रईसी को मरवा दिया। ईरान उन देशों में शामिल है जिसने इजराइल के अस्तित्व को हर दम चुनौती दी है। मुस्लिम देशों में ईरान नंबर वन है, जो इजराइल के लिए परेशानी का कारण रहा है। लिहाजा रईसी की मौत की सुई स्वाभाविक रूप से इजराइल की ओर मुड़ती है। यहाँ हम शक के उन 6 कारणों को समझने की कोशिश करते हैं जिसके तहत कहा जा रहा है कि रईसी की मौत में इजराइल का हाथ है। शक की वजह नंबर 1, इजराइल ईरान का दुश्मनी वाला रिश्ता। दावा किया जा रहा है कि प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर को स्पेस लेजर तकनीक के सहारे जमीन दोज कर दिया गया, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। दूसरी ओर कारण यह भी गिनाया जा रहा है कि पिछले 7 अक्टूबर को हमास की ओर से इजराइल पर किए गए हमले में भी ईरान का हाथ होने की बात कही गई थी और इसी का इजराइल ने बदला लिया है। लेकिन यहाँ ये स्पष्ट करना जरूरी है कि इजराइल के एक बड़े अधिकारी ने इसका खंडन किया है। शक की वजह नंबर 2, इजराइल विरोधियों को ईरान का समर्थन। आतंकी संगठन हिजबुल्ला हो या यमन के हूथी विद्रोही या फिर हमास, ईरान इजराइल के खिलाफ इन सारे संगठनों को समर्थन देता रहा है। ये एक बड़ी वजह बताई जा रही है, इसीलिए रईसी को इजराइल ने मरवाया होगा, लेकिन ये महज कयास है। शक की वजह नंबर 3, अजरबैजान के करीब हादसा। हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर सवाल इसलिए भी गहरा है क्योंकि हादसे वाली जगह अजरबैजान के करीब है और इत्तेफाक से अजरबैजान के इजराइल के अच्छे रिश्ते हैं। सच पूछिए तो मुस्लिम देशों में सिर्फ अजरबैजान है जिसके रिश्ते इजराइल से अच्छे रहे हैं। अजरबैजान की आर्मेनिया से दुश्मनी है और ईरान आर्मेनिया का समर्थन करता रहा है। शक की वजह नंबर 4, इजराइल का टारगेट ईरान। एक्सपर्ट का मानना है कि इजराइल ईरान में मिलिट्री और न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट पर लेने की कोशिश करता रहा है। इसका कारण ईरान का इजराइल के प्रति रवैया है, जो इजराइल के बारे में कहता है कि अरबों की जमीन पर यहूदी देश होने का क्या मतलब है। लेकिन देखने वाली बात है कि रईसी की मौत की साजिश में हाथ होने का मतलब इजराइल का सीधे ईरान के खिलाफ ऐलान जंग करना होगा और इजराइल ऐसा नहीं चाहेगा। शक की वजह नंबर 5, 3 में से सिर्फ 1 रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश।
सवाल उठ रहे हैं, जब मौसम खराब था तो रईसी के काफिले में शामिल 3 हेलीकॉप्टरों में से 2 कैसे बच गए और सिर्फ रईसी वाला हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हो गया। कहा तो ये भी जा रहा है कि मौसम उड़ान के अनुकूल नहीं था, तो रईसी को 150 किलोमीटर तक सड़क मार्ग से क्यों नहीं ले जाया गया। जाहिर है इन सवालों का जवाब जाँच पूरी होने के बाद ही मिल सकेगा। शक की वजह नंबर 6, इजराइल की अप्रैल वाली एयर स्ट्राइक। अप्रैल महीने में सीरिया की राजधानी दमिश्क में इजराइल की ओर से किए गए एक हवाई हमले में ईरान के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रेजा समेत एक अफसर की मौत हो गई थी। ईरान का गुस्सा इसके बाद चरम पर था, जिसका जवाब ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दाग कर दिया था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इजराइल ने अब तक इसका डायरेक्ट जवाब नहीं दिया है। इसीलिए शंका जताई जा रही है कि अपने सबसे बड़े और कट्टर दुश्मन के अंत के लिए इजराइल ने खुफिया एजेंसी मोसाद का इस्तेमाल किया और रईसी का काम तमाम कर दिया। लेकिन ये सारे शक सिर्फ शक ही हैं। जब तक क्रैश होने की असली वजह का पता नहीं चल जाता, इजराइल के हाथ नहीं होने के कारण भी गिनाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी ठोस नहीं कहा जा सकता। इन सबके बीच रईसी के लिए ईरान में लोग ही लोग उमड़े हैं। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। और इस वक्त इजराइल की एक गलती उस पर बहुत भारी पड़ सकती है, लेकिन नेतन्याहू ने यह ठान लिया है कि वो बिल्कुल भी नहीं झुकेंगे। यही वजह है कि लेबनान बॉर्डर पर इजराइल अपने सबसे बड़े दुश्मन को खत्म करने का फैसला कर लिया है और उसके रॉकेट कमांडर को भी मौत के घाट उतार दिया है। इसी पर देखिए स्पेशल रिपोर्ट। मई को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश होता है। अगले ही दिन इजराइल दावा करता है कि उसने हिजबुल्ला के रॉकेट कमांडर को मार डाला है। इजराइल की सेना ने दावा किया है कि हिजबुल्ला के रॉकेट कमांडर कासिम सकलाबी को ड्रोन स्ट्राइक में मार दिया गया है। हिजबुल्ला के रॉकेट कमांडर कासिम सकलाबी ने बॉर्डर पर इजराइल के खिलाफ कई मिसाइल अटैक करवाए। हिजबुल्ला के इस कमांडर ने कैसे इजराइल की नाक में दम किया हुआ था, आप ऐसे एंटी टैंक मिसाइल वाले हमलों को देखकर समझ सकते हैं। न सिर्फ ऐसे हमलों से हिजबुल्ला ने इजराइल की बख्तरबंद गाड़ियों को उड़ाया, बल्कि बॉर्डर पर तैनात किए गए कई कम्युनिकेशन सिस्टम भी धमाकों से उड़ा डाले। इजराइल ने भी लगातार एयर स्ट्राइक और ड्रोन हमलों से जवाब दिया है। इजराइल का दावा है कि 7 अक्टूबर के बाद से हिजबुल्ला के साथ जो लड़ाई शुरू हुई है, इसमें हिजबुल्ला के 300 से ज्यादा लड़ाके इजराइल के अटैक में मारे जा चुके हैं। इनमें 30 बड़े कमांडर शामिल हैं। रॉकेट कमांडर कासिम सकलाबी का नाम भी इस फेहरिस्त में शामिल है। वहीं इजराइल के 20 सैनिक हिजबुल्ला के हमले में जान गंवा चुके हैं, ये बात खुद इजराइल भी मानता है। अब सवाल है कि हिजबुल्ला को कंट्रोल करने वाला ईरान जब अपने राष्ट्रपति और विदेश मंत्री की मौत का गम मना रहा है, तब इजराइल का अगला बड़ा हमला कहां हो सकता है? क्या अगला नंबर हिजबुल्ला के चीफ हसन नसरल्ला का है? क्या इजराइल के टारगेट पर इस्माइल हानिया भी आ चुका है? क्या इजराइल ने अब एक के बाद एक अपने दुश्मनों को मारना शुरू कर दिया है? करीब 8 महीने से पूरा पश्चिम एशिया एक बड़े युद्ध की चौखट पर बैठा हुआ है। अगर गाजा पट्टी इजराइल की बमबारी में खंडहर बनता जा रहा है, तो उत्तर में इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर मौतों का खेल चल रहा है। अब सबका फोकस हिजबुल्ला के कमांडर हसन नसरल्लाह पर है।
हसन नसरल्ला का हेडक्वार्टर लेबनान की राजधानी बेरूत में है। बेरूत में दाहिया नाम का इलाका है जो हिजबुल्ला का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। बताया जाता है कि यहीं पर करीब 150 फीट गहरा बंकर है और यहीं 2006 से हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला का घर है। हसन नसरल्ला को 2016 के बाद से खुले आसमान के नीचे नहीं देखा गया है, यानी पिछले 8 साल से नसरल्ला बंकर में ही है। बंकर की सही गहराई और लोकेशन के बारे में सही जानकारी इजराइल को भी नहीं मालूम। आखिरी बार 2016 में हसन नसरल्ला को पब्लिक के बीच देखा गया था। हसन नसरल्ला का पब्लिक के बीच आना अचानक होता है, इसके बारे में उसके सुरक्षा कर्मियों को भी आखिरी पलों में बताया जाता है। हसन नसरल्ला के साथ बंकर में 19 सुरक्षा कर्मी हमेशा मौजूद रहते हैं। हसन नसरल्ला के बंकर का दरवाजा कहां खुलता है, किन गलियों से बंकर तक रास्ता है, इसके बारे में हिजबुल्ला के चुनिंदा लोगों को ही जानकारी है और वो हिजबुल्ला के सबसे खास लोग माने जाते हैं। ऊपर इजराइल के ड्रोन और विमान जरूर मंडराते हैं, लेकिन जमीन के नीचे बैठे नसरल्ला के बारे में उनको भनक तक नहीं लगती। यही वजह है कि हसन नसरल्ला पिछले 8 सालों से अपने बंकर में ही है। देखा जाए तो हिजबुल्ला वो संगठन है जिसे ईरान से पूरी मदद मिलती है और ईरान हिजबुल्ला को इजराइल के खिलाफ एक बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल भी करता आया है। लेकिन इजराइल ने अगर हिजबुल्ला का हाल हमास जैसा करने का फैसला किया तो लेबनान में वर्ष 2006 वाले युद्ध की तबाही दोहराई जा सकती है। में हिजबुल्ला और इसराइल के बीच 34 दिन तक युद्ध चला था। तब इसराइल के 121 सैनिकों को मिलाकर 160 लोग मारे गए थे, जबकि हिजबुल्ला के 250 लड़ाकों समेत लेबनान के 1200 लोगों की मौत हुई थी। यह युद्ध संयुक्त राष्ट्र के दखल के बाद सीज फायर के साथ खत्म हुआ और इसराइल को लेबनान से पीछे हटना पड़ा था। हिजबुल्ला 2006 में हुए युद्ध को अपनी जीत बताता रहा है, लेकिन उसे बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा था। इसलिए अगर इस बार भी हिजबुल्ला को नुकसान उठाना पड़ा तो समझ लीजिए ईरान को भी बहुत बड़ा झटका लगेगा। वैसे नेतन्याहू भी यही चाहते हैं, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश अब पश्चिम एशिया को बारूद के ढेर पर बैठा चुकी है। रईसी की जान जा चुकी है। ईरान अब भी इसराइल को शक की निगाह से देख रहा है। वहीं गाजा में जिस तरह की बमबारी हो रही है उसने पूरी दुनिया को जैसे सकते में डाल दिया है। हजारों बच्चों की मौत को लेकर इसराइल इस वक्त कटघरे में है और नेतन्याहू अपनी जनता के बीच भी बुरी तरह से घिर चुके हैं।